आपके प्लॉट पर या आपके घर में कोई व्यक्ति जबरदस्ती घुसता है, कब्जा करता है आपसे बिना परमिशन लिए हुए, आपको बताया भी नहीं और उसने आपके घर में घुस गया, आपके प्लॉट पे घुस गया, आपके गार्डन में घुस गया, वो आपके घर की तरफ ताका झांकी कर रहा है घुस के, उसके बाद जो है आपके घर में घुस गया और घर में घुस के कोई ऑफेंस करने की सोचता है, अपराध करने की सोचता है, आपको इंसल्ट कर रहा है, आपको इंटीमेट कर रहा है, या फिर आपने सारे डोर लॉक कर दिए, सारे रास्ते बंद कर दिए हैं और उसके बाद भी आपको पता चल रहा है कि उस व्यक्ति ने सेंध काट के या खिड़की तोड़ के या किसी भी प्रकार से आपके प्रॉपर्टी में घुस के कब्जा कर लिया, तो उस स्थिति में आपको करना क्या चाहिए? लोग अक्सर क्या करते हैं कि वो सिविल कोर्ट की तरफ जाते हैं, वकील साहब से पूछते हैं, वकील साहब बोलते हैं कि कब्जा खाली करवाने का मुकदमा डालिए, सिविल में केस कर दीजिए। अब आपको पता होना चाहिए कि सिविल का केस तो बहुत ज्यादा दिन तक चलता है, तो क्यों ना हम उस व्यक्ति को पहले सजा दिलवाएं, पहले जेल भिजवाएं, ताकि वह व्यक्ति अंदर से टूट जाए और वह खुद खाली करने का सोचे। जैसे ही व्यक्ति जेल जाएगा तो जेल जाने से अच्छे अच्छों को डर लगता है, तो वह व्यक्ति क्या चीज है, वो तो खाली करेगा ही। जैसे ही जेल जाने का नाम सुनेगा, पुलिस आएगा, पुलिस FIR लिखेगा और जेल उसको लेके जाएगा, तो वो व्यक्ति अपने आप खाली करेगा। यदि उसके बाद भी खाली नहीं करता है तो उसके बाद हम सिविल में पजेशन खाली करवाने का, कब्जा खाली करवाने का मुकदमा डालेंगे। लेकिन सबसे पहले आदमी को क्रिमिनल केस करना चाहिए, क्रिमिनल केस, ताकि उस व्यक्ति को सजा मिले, वह व्यक्ति जेल जाए। तो सबसे पहले इनके लिए हमें यह जानना जरूरी होगा कि यदि कोई व्यक्ति हमारे बिना परमिशन के, मेरे बिना परमिशन के वो मेरे प्रॉपर्टी में, प्लॉट में घुसता है, ताका झांकी करता है, मुझे इंसल्ट करता है, किसी अपराध को अंजाम देने की सोचता है, हमने सारे रास्ते बंद कर दिए, उसके बाद भी वो किसी तरीके से सेंध काट गए या फिर खिड़की तोड़ गए या किसी गेट को तोड़ गए, उसने घुस गया, तो इसके लिए क्रिमिनल में क्या सजा होगा, कौन सी धारा के अंतर्गत इस पे FIR होगा और कौन सी मुकदमा होगा, तो इसे जानना हमें बहुत ही जरूरी है। तो यही चीज आज मैं बताने वाला हूं, यही इसी पॉइंट पे आज मैं बात करने वाला हूं कि सिविल मुकदमा करने से पहले आपको ये एक्शन लेना चाहिए ताकि व्यक्ति जेल जाए। तो इसे जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगता है तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं आपका अपना मित्र एडवोकेट SS मिश्रा लीगल दर्पण चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपके प्रॉपर्टी में यदि सिर्फ आदमी आपके प्लॉट पे आता है और बिना आपके परमिशन से आपके प्लॉट पे आके घुस जाता है और वो ताका झांकी कर रहा है, तो ये तो एक सिविल रॉन्ग हुआ, ये एक सिविल गलती हुआ, दीवानी गलती हुआ, जो टॉर्ट के अंतर्गत आता है, अपकृत्य जिसे बोल सकते हैं, उसके अंतर्गत आता है और इसके लिए आप सिर्फ सिविल में केस कर सकते हैं डैमेज वसूलने के लिए, हानि वसूलने के। लेकिन वो आपके प्लॉट में आया, आप एक एक पॉइंट को ध्यान देते जाना, क्योंकि शुरुआत यहीं से होती है। कोई व्यक्ति आपके प्लॉट में आता है, घुसता है, ताका झांकी करता है, फिर यदि वह व्यक्ति आपके प्लॉट में या आपके घर पे आया, घुसा, ताका झांकी करते करते क्या हुआ, वह आपके घर में घुस जाता है और किसी घुस के वहां पे कब्जा करके बैठ गया और किसी ऑफेंस को कमिट करने का सोचता है, यानी किसी अपराध को करने अंजाम देने का सोचता है, आपको इंसल्ट करना वहां पे चाहता है, आपको एनोनी करता है, तो इस तरीके की बात करता है, वो आपको इंटीमेटेड करता रहता है, तो इस स्थिति में वह जो रूप बनेगा क्रिमिनल का वो होगा क्रिमिनल ट्रेसपास का, यानी आपराधिक अतिचार का उस पर मुकदमा बनेगा, जिसका प्रावधान जो है इंडियन पेनल कोड की धारा 441 के तहत था, लेकिन जो हमारा नया कानून आया है भारतीय न्याय संहिता का, उसमें 329 में इसका प्रावधान है और जिसके तहत उस व्यक्ति पे आप FIR करा के उस व्यक्ति को आप 3 महीने तक के लिए जेल भिजवा सकते हैं या 5,000 रुपया जुर्माना या फिर दोनों ही हो सकता है। अब क्रिमिनल ट्रेसपास का तो यहां पे ये धारा लगा, अब क्रिमिनल ट्रेसपास आप जानेंगे कैसे कि ये आपराधिक घटना को अंजाम देगा, तो ये चीज उसके मींस रिया या सोच पे डिपेंड करता है। इसके साथ ही वह व्यक्ति क्या किया, घर में घुस के और वहां पे वो कब्जा कर लिया। अब कब्जा करने के बाद जो है वह व्यक्ति आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है, वो जा ही नहीं रहा है, तो इस स्थिति में IPC की धारा 442 और जो हमारा IPC के बदले में नया कानून आया है भारतीय न्याय संहिता का BNS की धारा 329 के तहत ही मुकदमा
दायर होगा, मुकदमा इस पे लॉज होगा, एफआईआर लॉज होगा, और उसके लिए पनिशमेंट जो है 1 ईयर पनिशमेंट है और फाइन है, या फिर दोनों ही हो सकता है। तो क्रिमिनल ट्रेसपास और हॉर्स ट्रेसपास ये तो बनेगा ही बनेगा। यदि वो सीधे रास्ते से आया, आपके बिना इजाजत के आया, जमीन पे या आपके घर पे कब्जा कर लिया, तो क्रिमिनल ट्रेसपास और हॉर्स ट्रेसपास यहाँ पे बनेगा। यदि आपके घर पे आता है बिना इजाजत के और कब्जा कर लेता है, तो फिर क्रिमिनल ट्रेसपास के साथ साथ हॉर्स ट्रेसपास भी बनेगा। अब अगला बात आता है कि हमने सारे गेट बंद कर दिए थे, हमारा विंडो लॉक था, सब कुछ था, लेकिन उसके बाद भी वह व्यक्ति पता नहीं कैसे आ गया, सेंध काट के आ गया या खिड़की तोड़ के आ गया, इस तरीके से वो आ गया। तो यहां पे क्रिमिनल ट्रेसपास, हॉर्स ट्रेसपास, इस सब के साथ साथ हॉर्स ब्रेकिंग का भी मुकदमा बनेगा, जिसका प्रोविजन आईपीसी की धारा 445 में था। वही नया कानून जो हमारा भारतीय न्याय संहिता आया है उसकी धारा 330 के तहत है, और इसके तहत आप उसको 2 साल के लिए जेल और जुर्माना दोनों से उसको दंडित कर सकते हैं। तो इसीलिए घबराने की बात नहीं है। यदि कोई व्यक्ति आपके प्लॉट में या आपके घर में बिना आपके परमिशन के आता है, कोई आपराधिक घटना देने करने को सोचता है, आपको इंसल्ट करता है, आपको इंटीमेट करता है, आपको एनोनी करता है, वो आपके घर में घुस के वो कब्जा कर लेता है, कब्जा छोड़ नहीं रहा है, आपके बार बार मना करने पर भी वह व्यक्ति नहीं जा रहा है, तो आपको क्या करना चाहिए कि निकट के थाने में सबसे पहले जाना चाहिए, और वहाँ पे जो है आपको क्रिमिनल ट्रेसपास, हॉर्स ट्रेसपास का मुकदमा वहाँ पे करना चाहिए। यदि आपके अब्सेंस में सारे गेट बंद थे, सब कुछ रास्ते बंद थे, उसने आपके गेट तोड़ के या किसी तरीके से गया है, तो क्रिमिनल ट्रेसपास, हॉर्स ट्रेसपास के साथ साथ हॉर्स ब्रेकिंग का भी वहाँ पे मुकदमा करना चाहिए। पुलिस आएगी, व्यक्ति को अरेस्ट करेगी, तो यह करना बहुत ही जरूरी है। जैसे ही व्यक्ति अरेस्ट होगा, उसके बाद उसको जो कब्जा करके वो बैठा हुआ है उसको खाली करने की वो सोचेगा, और इसके बाद जैसे ही आपने क्रिमिनल केस डाल दिया, थोड़े दिन देख लो, फिर इसके बाद जो है कब्जा खाली कराने का मुकदमा सिविल में डालना कि वो कब्जा खाली करे। लेकिन सबसे पहले आपको ये एक्शन लेना बहुत ही जरूरी है। तो फ्रेंड्स, जानकारी कैसा लगा आप मुझे कॉमेंट करके जरूर बताना, कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कॉमेंट कीजिए, रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा। आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।